गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सुबह के बच्चों के 8 और मैं फटाफट रेडी होता हूँ क्योंकि सुबह 9 बजे की अपॉइंटमेंट है मेरी आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस रिन्यूअल की। तो फटाफट मैं समर्थ को उठाता हूँ, समर्थ सो रहा है उसको उठा के फटाफट खाना खुना खिलाता हूँ, उसके बाद मैं भी निकलता हूँ। समर्थ उठ जा बेटा, उठ जाओ। तो फाइनली लाइसेंस का काम हो गया आज और सुबह के बच्चों के है 10। अब आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये अब तक सो रहा है। इतनी नींद कहां से लाता है, मतलब रात को सोना नहीं है बिल्कुल भी, घूमते रहना और सुबह उठना नहीं है। तो अब इसको उठाता हूं और ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि 10 बज चुके हैं, इसने अभी पता कुछ नहीं खाया और मैंने भी अभी पता कुछ नहीं खाया, बस चाय पी थी सुबह। तो अब मैं इसको उठाता हूँ। तो गाइस फ़ोन गिर के पूरी तरह बंद हो गया, बस ये अभी थोड़ा जागता है, फिर अगर बंद हो गया तो ग्रीन ग्रीन हो गया। तो गाइस फ़ोन हो गया है मेरा कंप्लीटली बंद, तो हर्षी शॉप से जाके दूसरा फ़ोन टेम्परेट लेके आया हूँ, कल जाके इसको ठीक करवाता हूँ। स्मार्ट को उठा था मॉर्निंग में तो फ़ोन गिर गया, हाथ से स्लिप हो गया। तो पहले तो टूट गया था, ऊपर जो स्क्रीन थी वो टूटी थी, अब जो अंदर की डिस्प्ले है वो पूरी बंद हो गई, दिखने मतलब ब्लिंक करी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा कच्चा हो गया। नुकसान। समझने का पढ़ाई करनी है, आपकी छुट्टियाँ और फाइनली अयान फंस गया है पढ़ाई करने के लिए। मैंने आपको कहा था ना कि मौसम क्लियर होता है तो पहाड़ दिखते हैं। बारिश हो के हटी है ना अभी, तो मौसम क्लियर हो गया, पोल्यूशन वगैरह हट गया, तो पहाड़ दिख जाते हैं दूर से। सनसेट का टाइम भी हो गया, आपको दिखाता हूँ। बाद ने क्या देखा था, मकड़ी का जाला। क्या कर रही थी मकड़ी? मकड़ी उड़ती है। अच्छा, कैसे उड़ रही थी? ऐसे। और चिड़िया क्या करती है फिर? मकड़ी उड़ती है तो चिड़िया और मकड़ी दोनों उड़ती है, दोनों फ्रेंड है। अच्छा, दोनों इकट्ठे रहती है। ओके, दोनों अच्छे अच्छे से दोस्त है ना, इसलिए है ना। तो गैस लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने भी एक चीज़ मंगवाई है, आपको दिखाता हूँ क्या है। मैगी तो रोज़ खा रहे थे तो सोचा कि आज कुछ डिफरेंट मंगवाते हैं, तो ये मंगवाई है कोरियन हॉट एंड स्पाइसी। ये वेज फ्लेवर है क्योंकि नॉन वेज तो मैं खाता नहीं हूँ। हॉट एंड स्पाइसी कोरियन वेज फ्लेवर, तो अभी ये बनाते हैं और इसको ट्राई करते हैं ये कैसी है, क्योंकि ना रोज़ मैगी तो मैगी तो फेवरेट है ही अपनी, तो कुछ कभी कभी डिफरेंट भी यूज़ करना चाहिए ना, कुछ टेस्ट भी डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए, तो आज ये बनाते हैं। गाइस बनाते हैं हम हॉट एंड स्पाइसी कोरियन वेज फ्लेवर मैगी। आप देखो फोटो में मिर्चे हैं इसके अंदर, तो बनने की तो क्या होगा। पानी गर्म हो गया तो हमने इसके अंदर डाल दिए नूडल्स, इसके साथ हमें मिला है ये सीजनिंग ऑयल और ये मसाला। अब 5 मिनट तक इसको
उबलने देना, तब तक इसको हिलाएं। तो 5 मिनट हो चुके हैं पूरे, अब इसमें से जो एक्सेस पानी है ना वो निकालना है हमें। तो सबसे पहले एक्सेस पानी निकालूं, तो सारा पानी निकाल दिया। अब इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं सीजनिंग ऑयल, ये कलर देने के लिए होगा शायद इस पर। मसाला भी डाल लिए, अब इसको कर देते हैं मिक्स। लग तो खतरनाक रही है, स्मेल भी खतरनाक सी आ रही है, मतलब अच्छी वाली मिर्ची वाली स्मेल आ रही है इसके अंदर। ये बनके हो गई रेडी, करते हैं इसको सर्व, सबको टेस्ट करवाते हैं। तो रेडी है हमारी कोरियन स्पाइसी नूडल्स, अब सबको ना टेस्ट करवाता हूँ एक चम्मच। पिंकी तो शायद ही खाए क्योंकि उसको है बुखार, अयान को एक चम्मच दूंगा, समर्थ को भी थोड़ा सा देता हूँ, वैसे मिर्चियाँ ना बच्चों को देनी नहीं है। अयान को टेस्ट करा रहे हैं हम मिर्च वाला, बिल्कुल थोड़ा कराएंगे। वो देखो अयान को क्या हो रहा है, तो अब मैं ट्राई करता हूँ स्पाइसी नूडल। अयान ने तो डरा दिया है, मिर्ची है, वैसे मैं मिर्च खाता नहीं हूँ, अच्छी नहीं लगती है, तो फिर भी ट्राई करते हैं ये कैसे है। क्या आ गई भाई इतनी ज्यादा मिर्ची, मैं चीनी खा गया था। अब मम्मी को टेस्ट करता हूँ। अयान कुछ मिट्टी चीज ढूंढते हुए, एक चम्मच टेस्ट करना। ना 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 खाओ तो सही, एक बार टेस्ट तो करो। पानी ला के दे, पानी दे, पानी दे, कपड़ा पानी दे। गाइस कोरिया के लोग इतनी मिर्चे खाते हैं, चीनी 3 बार चीनी खा ली, ओह बस अभी मुंह से ना आग निकलेगी, बहुत ज़्यादा मिर्चे हैं, बहुत ज़्यादा मिर्चे। इतनी मिर्चे खानी नहीं चाहिए, बॉडी को नुकसान करती है। आँख में से पानी, नाक में से पानी, लिप्स पे जलन, मतलब पूरा पूरा चल रहा है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।